हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। फिर से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ। ESICSSO प्री था आज, आपको पता है 2018 स्लॉट वन का एनालिसिस और रिव्यू आपको ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, आप देख चुके हैं। अब आपके लिए हम लेकर आए हैं सेकेंड स्लॉट का एग्जाम एनालिसिस। तो जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, तीनों जो सब्जेक्ट प्री में पूछे जाते हैं, उन सभी का एनालिसिस करेंगे डीप में। देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछे गए, कितने वेटेज क्या था उनका, और एग्जाम का ओवरऑल लेवल क्या था। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब मैथ से। मैथ सभी सेक्शन में सबसे मुश्किल सेक्शन था, इस लॉट में भी। क्या क्या पूछा गया, सबसे पहले बात कर लेते हैं डीआई की। तो डीआई में आपसे लाइन ग्राफ पूछा गया, के सेलेक्ट पूछा गया, और एक बार ग्राफ। तो 15 सवाल थे, मॉडरेट लेवल के माने जा सकते हैं। नंबर सीरीज में इस बार मिसिंग नंबर सीरीज पूछी गई और 5 सवाल पूछे गए। याद हो तो पिछली बार, मतलब फर्स्ट स्लॉट में रॉन्ग नंबर सीरीज पूछी गई थी, सेकंड स्लॉट में इस बार पूछा गया है मिसिंग नंबर सीरीज। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से 5 सवाल पूछे गए, और अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, मतलब आपके प्रॉफिट लॉस, एजेस, SICI एटसेट्रा एटसेट्रा, जो मिसलेनियस टॉपिक्स आपके रह जाते हैं, उनसे 10 सवाल पूछे गए और लेवल था मॉडरेट। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ से थोड़ा बहुत डिफरेंस था, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, थोड़ा बहुत डिफरेंस था लेवल में भी और जो सब्जेक्ट वाइज जो वेटेज रहा उसमें भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं कौन सा, इंग्लिश। इंग्लिश तीनों सेक्शन में इस बार भी सबसे इजी थी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 6 सवाल पूछे गए, एक सेट था आपके पास जिसमें से एक क्वेश्चन आपका सिनोनिम, मतलब वो कैप पे था, बाकी रीडिंग पे थे। जो टॉपिक था वो था ऑटो इंश्योरेंस पे, ऑटोमोबाइल जो इंश्योरेंस रहता है उस पे बेस आरसी था आपका, बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट एनालिटिकल टाइप नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप आरसी था। 6 सवाल थे, एक वो कैप पे था, बाकी 5 रीडिंग पे थे, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्लोज टेस्ट के 6 सवाल थे इजी लेवल के, सेंटेंस कनेक्टर के 4 सवाल वो भी इजी, फ्रेज रिप्लेसमेंट के 4 सवाल वो भी इजी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के स्टैंडर्ड 5 सवाल वो भी इजी, और फाइनली था आपका सेंटेंस करेक्शन 5 सवाल और वो भी इजी। तो ओवरऑल इंग्लिश लैंग्वेज काफी इजी था, स्कोरिंग था अच्छे, अटेम्प्ट आप इसमें कर सकते हैं। नेगेटिव के लिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादा लेवल नहीं था एग्जाम का, सही कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से तैयारी की है। चलिए फाइनल सब्जेक्ट देखेंगे, क्या था फाइनल सब्जेक्ट आपका, रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी इंग्लिश से थोड़ा टफ था, पर मैथ से थोड़ा इजी था, पर ओवरऑल देखा जाए तो तीनों सेक्शन में सबसे ज्यादा लेंदी था। अब लेंदी क्यों था, 4 पजल प्लस सीटिंग अरेंजमेंट के सेट आपसे पूछे गए, एक लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट पे था, एक स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट पे था, एक आपकी मंथ बेस्ड पजल थी और एक आपकी थी फ्लोर बेस्ड पजल। ठीक है, तो 2 सिटिंग अरेंजमेंट से पूछे गए और 2 पजल से बना। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चंस थे। कोडिंग डिकोडिंग ओल्ड पैटर्न पे 4 सवाल पूछे गए, इनइक्वालिटी के बहुत ही इजी 5 सवाल आए, सिलोगिज्म के भी बहुत इजी 4 सवाल पूछे गए, ब्लड रिलेशन से 1 सिंगल सवाल पूछा गया बहुत इजी लेवल का, और अल्फाबेट सिंगल अल्फाबेट टाइप जो क्वेश्चंस रहते हैं उससे 1 सवाल था और बहुत ही इजी लेवल का था। ठीक है, तो कुछ सेक्शन को छोड़ के रीजनिंग भी इजी था, लेंदी जो पार्ट था वो था पजल और सिटिंग रिंग। ठीक है, अब ओवरऑल अटेम्प्ट्स गुड क्या रहेंगे इसमें, ओवरऑल अटेम्प्ट्स आपके अगर आप 65 प्लस, मतलब 70 के अराउंड अगर आप अटेम्प्ट करते हो विद डिसेंट एक्यूरेसी, तो अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। बाकी जब कट ऑफ रिलीज होगी, जब रिजल्ट आएगा, तब आपको ज्यादा क्लियर सिनेरियो पता चल पाएगा, क्लियर विजन तभी मिल पाएगा जब रिजल्ट आता है। पर अभी तक जितना हमने फीडबैक देखा है, एग्जाम का लेवल जो रहा है उसके अकॉर्डिंग 70 के अराउंड गुड अटेम्प्ट्स माने जाए। ठीक है, अब जैसे ही ये जो दोनों स्लॉट्स में उससे रिलेटेड कोई भी हमें मेमोरी बेस्ड सवाल मिलता है तो उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। नाउ डेट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ नाइस डे।